हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच शॉ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मॉक टेस्ट के बारे में। ये मेरा पहला मॉक टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, जो आप लोगों का जेजे का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। अभी टीयर वन का रिजल्ट नहीं आया है। टीयर वन का रिजल्ट आने के बाद आप मानकर चलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव का, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चलाई गई। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हालांकि आप सबको पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसके अंदर ऐसे आएंगे 40 मार्क्स के। लेटर आएगा आप लोगों का, एक लेटर आएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो ये है पार्ट ए, ये पार्ट ए के सेक्शन होंगे। पार्ट बी की बात की जाए, पार्ट बी जो है, पार्ट बी में आएंगे आप लोगों की ग्रामर, क्या आएगी गाइस, ग्रामर जो कि होगी 30 मार्क्स की, और आप लोगों की आएगी ट्रांसलेशन जो कि आएगी 20 मार्क्स की। तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। तो गाइस, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड है। जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी है, जिनका ग्रामर का बैकग्राउंड अच्छा है, वो कर पाएंगे इसको ईजिली। लेकिन जिनकी इंग्लिश ही वीक है, सपोज किसी की इंग्लिश वीक है, तो ना तो वो इस पोर्शन में अच्छा है, तो इस पोर्शन को तो आप भूल जाओ, क्योंकि ऐसा राइटिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है राइटिंग का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और टफ भी होता है। अगर आप राइटिंग नहीं करते तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी चीज़। तो अब मेरी एडवाइस ये कि जो बच्चा बिगनर है, जिसने कभी भी जो इंग्लिश से हमेशा बचता है, तो उसके लिए मेरी एडवाइस ये कि आप ग्रामर पर ही फोकस रखें, ग्रामर पर ध्यान दीजिए और ट्रांसलेशन में कर लीजिए, आपका हो जाएगा। लेटर आप लिखेंगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे, और ऐसे में थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यही तरीका है आप लोगों का स्कोर करने का जो वीक है। लेकिन जो देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस बार जो हमारा टीयर वन हुआ, ये तो था सिर्फ क्वालिफाइंग। आप मैंने चाहे कितने ही मार्क्स लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 81 लिए हैं सपोज, और एक बच्चे ने लिए 108, लेकिन जो कट ऑफ गई है वो गई है 75, सपोज हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मैं, तो दोनों का हो गया है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम स्टेज पर है। क्योंकि जो स्कोरिंग है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वो तो हो गए। अब जिनके मार्क्स काउंट होंगे, वो अगला पेपर जो कि 100 नंबर का है। यहाँ पर जो बच्चा ज़्यादा स्कोर कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा लगभग। मैं बताता हूँ, यही एक सारा गेम बच गया इसका, क्योंकि टाइपिंग तो आप कर ही रहे होंगे, तो ये जो बच गया यही सिलेक्शन करवाएगा आप लोगों का। तो इसमें जो बच्चा ढील छोड़ेगा, इस पर जो बच्चा अवॉइड करेगा पढ़ाई को, तो वो नहीं हो पाएगा उसका। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यह इसके मार्क्स काउंट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो मार्क्स काउंट होंगे, इसलिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रख लीजिए। तो आप लोग ग्रामर पर पूरा फोकस हो जाए, ग्रामर ट्रांसलेशन तो पूरे अच्छे से करने लग जाइए, और ऐसे लेटर की बात रखिए ध्यान। ये मेरा मॉक टेस्ट पहला होगा, मॉक टेस्ट फर्स्ट है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके से एग्जाम है। इसके अलावा मैं एक वीडियो और डाल चुका हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर था दिल्ली हाई कोर्ट का, पीए और एसपीए में से, तो वो मैंने डाला हुआ है, तो उसको भी आप देखकर हेल्प ले सकते हैं कि पेपर कैसे आएगा। अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर की बात है, तो गाइस देखिए, जेजे के जितने भी एग्जाम हुए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर वो पहले सिर्फ ऐसे करवाता था, ठीक है। लेकिन इस बार नई चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेटर ऐड हो गया है, ग्रामर ऐड हो गया, और ट्रांसलेशन, तो ये नया पोर्शन है। तो आप प्रीवियस ईयर को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अब आपको बताया दिल्ली हाई कोर्ट में जो पी एस पी ए का पैटर्न था उसको फॉलो किया जा सकता है, उसी पर बेस मेरे मॉक टेस्ट होंगे लगभग। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसके अंदर भी ग्रामर थी, ट्रांसलेशन, तो उस पर बेस मेरे पेपर होंगे। तो जो ये मेरे पहले 12 मॉक टेस्ट जो आ रहे हैं, वो इसी के ऊपर बेस होंगे। जिसमें पहला मॉक टेस्ट मैं आपके लिए फ्री अवेल करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी पी डी एफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, जब आप सर्च करेंगे ना दिल्ली हाई कोर्ट लर्न शोर, जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जो कि जेजे का स्पेशली है, जेजे के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए। तो उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वीडियो एनालिसिस उसके बाद ही देखना है। देखा इस, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो उस पीडीएफ के बाद ही देखेंगे, तभी फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो आप देख रहे हैं, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं लर्न शोर को, वहाँ पर भी आप मेरा चैनल पेज मिल जाएगा आप लोगों का इस। तो ये तो है पैटर्न। देखिए, ये मॉक टेस्ट फ्री है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने आप पे कर दिया है, और जो ऑलरेडी मेरे पर्सनल मॉक टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं, तो उनके लिए तो क्लासेस चल रही है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बताता हूँ, 499 का कोर्स है, ठीक है, 499 कोर्स, इसके अंदर आपको 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर मॉक टेस्ट का वीडियो एनालिसिस मिलेगा, आंसर मिलेंगे आपको वीडियो के। इसके अलावा जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट चाहिए, वो भी कंटेंट मिल जाएगा आपको पीडीएफ के थ्रू। तो ये तीन चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये कोर्स के अंदर आते हैं, तो जिसकी फीस है 499, 1 महीना वैलिडिटी होगी इसकी, वैलिडिटी होगी 1 महीना, ठीक है गाइस। और टेलीग्राम का चैनल होगा हमारा, प्राइवेट चैनल होगा, जो बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे, प्राइवेट चैनल होगा, हर सेक्शन के अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी के अंदर, दो अभी स्टार्ट किया, 2 से, तो एक के अंदर 100 है जो कि फुल हो चुके हैं, दूसरे के अंदर भी 100 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ये 200 बच्चों का बैच चल रहा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आ सकता है ज्वाइन करने के लिए। 499 इसकी फीस है वीडियो एनालिसिस की। अभी मैं आप लोगों के लिए 10 से 15 दिन बाद लेके आऊँगा, जिसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उसका प्राइस बहुत कम होगा, जिसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट, वीडियो एनालिसिस नहीं मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप कहीं और कर नहीं पाएंगे सिवाय इस चैनल के।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को, जो कि मेरा पहला मॉक टेस्ट है, कैसा है। देखिए गाइस, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये वीडियो एनालिसिस देखना, तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा इस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट फर्स्ट को, जो कि आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का तो सबसे पहले आपका लिखा गया है एक्सक्यूज मी, राइट योर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, डू नॉट राइट। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले ही बताया कि आपको कोई इंडिकेशन नहीं करना, कोई क्रॉस नहीं लगाना, कोई सिंबल नहीं बनाना, पेज को मोड़ना नहीं है, किसी तरीके से कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है आपका अनफेयर मीन्स। एक चीज होती है अनफेयर मीन्स कि मतलब, हालांकि ये तो एसएससी में होता है अनफेयर मीन्स, नहीं बताऊंगा इसके बारे में भी आगे। पॉइंट मेरा ये कि अगर आप कुछ ऐसा इंडिकेशन करते हैं तो उसको ये लगता है कि आपने कोई इंडिकेट किया है जिससे कि आप चीटिंग करवाएंगे, आपकी कोई सेटिंग हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल फेयर काम करना है। दूसरा, हर क्वेश्चन का मार्क्स उसके आगे लिखे गए हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखिए, आपका पता है 40 मार्क्स का आएगा आपका एसे, तो चार टॉपिक दे रखे हैं। देखिए, हो सकता है वो आपको सिर्फ एक टॉपिक दे, एक टॉपिक भी मिल सकता है, और आपको दो भी मिल सकते हैं, और आपको चार भी मिल सकते हैं। तो मैं चार दे रहा हूँ आपको। अगर मैं SPAPA की बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ एक ही लिखा हुआ था और उसी पे सबको लिखना था। तो अगर एक ही लिखा तो अच्छी चीज़ है, उससे क्या होगा कि अगर आप मान लो इनमें से अगर किसी को ग्लोबल वार्मिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है और आपको ग्लोबल वार्मिंग की नॉलेज अच्छी नहीं है, तो वो मार्क्स ज़्यादा ले जाएगी, उसके पास टॉपिक की नॉलेज है ना। आप यूनिटी से स्ट्रेंथ लिख देंगे, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया है हमें, लेकिन फिर भी इसलिए अगर एक टॉपिक है तो वो एक थोड़ा सा और अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है इससे कि सबको उसी पर लिखना पड़ेगा। और जिसने उसके बारे में पढ़ रखा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पर है, जिसने पहली बार पढ़ा है उसके बारे में वो नेगेटिव साइड पर है। तो ये चार टॉपिक है, आप इनमें ऐसे लिखेंगे। जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, इन पे जो भी आपने टॉपिक लिखा है वो मेरे ग्रुप में भेजेंगे मेरे नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 9560169083। इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपने आंसर भेज, ये जो सब बच्चों को नहीं भेजने, जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं उनकी बात हो रही, जिन्होंने ऑलरेडी क्या कर लिया, पेड कोर्स खरीद लिया, उसकी बात करें, उन वो बच्चे इस पे आंसर करेंगे। मैं उनका एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा उनको कहां पर क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी आपको अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम ऐसे लिखने का तरीका ही बताऊंगा कि हाउ टू राइट ऐसे। ठीक है, दूसरा है लेटर। लेटर में आपको लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर स्ट्रेसिंग द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मॉरल एजुकेशन इन स्कूल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो के अंदर, जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी, हाउ टू राइट एसे और हाउ टू राइट लेटर के अंदर। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन थ्री की। अब हमारा पूरा ग्रामर बेस रह गया, ग्रामर बेस को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा आपके सामने। देखिए, ग्रामर बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसने पहले ग्रामर अच्छे से पढ़ रखी है, तो उसका तो स्कोर अच्छा होगा ही होगा। तो बात कर ले, देखिए आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, तो आपको डिफरेंस करके बताना है, लिख के बताना होगा वहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं, देखिए, प्रीसीड एंड प्रोसीड, कोर्स एंड कोर्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम, देयर एंड देयर। सबसे पहली चीज, प्रीसीड एंड प्रोसीड, कोर्स एंड कोर्स जो है हमारे, ये तो होमोनिम है। क्या है? होमोनिम, जिनका साउंड सेम आता है। बात की जाए प्रीसीड और प्रोसीड की, तो क्या होता है, देखिए प्रीसीड और प्रोसीड आप कैसे लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता प्रीसीड के बारे में, प्री जिसका मतलब होता है प्री means, प्री means क्या होता है, प्री means फॉरवर्ड, प्री means क्या होता है आप लोगों का, फॉरवर्ड होता है गाइस, क्या होता है, बिफोर, प्री means होता है बिफोर। इसी तरीके से अगर मैं साथ साथ लिखूं तो प्रो means क्या होता है, प्रो means होता है फॉरवर्ड, ये तो आप सबको पता होगा। अब इसके आगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, इसके आगे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। तो प्रीसीडेड means होता है अर्लियर, पहले, क्या होता है, अर्लियर, मीन होता है इसका अर्लियर। और प्रो मीन्स फॉरवर्ड, मीन्स होता है लेटर या मूव आगे की तरफ, ठीक है। अब आप इसके ऊपर सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए, प्रीसीड पे सेंटेंस बनाना है तो मैं लिखूंगा, मान लो वास्को डिगामा प्रीसीडेड बाय ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वास्को डिगामा पहले आया था किससे, ब्रिटिशर से। तो पहले कौन आया था, वास्को डिगामा, तो ध्यान रखना इसको। एक सेंटेंस बना दिया मैंने, तो इसका मतलब होता है अर्लियर, जो पहले आया था, एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा सेंटेंस बना देते हैं, प्रो मीन्स फॉरवर्ड लेटर। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो इफ़ यू प्रोसीड दिस वे यू विल रीच ऑन टाइम। तो अगर आप इस रास्ते आगे की तरफ जाते हो तो मतलब प्रोसीड का मतलब होता है आगे की तरफ, ठीक है, और प्री का मतलब होता है अर्लियर, पहले की तरफ। तो आप दोनों लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, आपने अगर नोटिस किया तो ये दो नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ दो नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया, सेंटेंस भी लिख दिया। लिखने को मैं और भी ज़्यादा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं आपके लिए, लिख सकता हूँ कि प्रोसीड क्या, प्रीसीड क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, प्रोसीड नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप ये लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
लेकिन ये चीज़ें कैसे पता चलती है, प्रैक्टिस से पता चलती है, ठीक है। सॉरी प्रोनाउनी प्रोसीड हमारी वर्ब होती है, प्रोसीड भी वर्ब होती है, लेकिन प्रोसीड वर्ब के साथ क्या होती है, नाउन भी होती है। दोनों चीज़ याद रखनी है, प्रोसीड और प्रोसीड दोनों वर्ब, देखिए दोनों के अंदर एक्शन लिया जाता है, प्रोसीड मतलब अर्लियर और प्रोसीड मतलब अर्लियर, प्रोसीड मतलब लेटर, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक्शन लिया जा रहा है, तो वर्ब तो दोनों का पता लगे कि वर्ब है, लेकिन प्रोसीड नाउन भी हो सकती है हमारी। लेकिन ये जब होता है, जब मान लो प्रोसीड और प्रोसीड लिखा होता है, उसके आगे लिखा होता है 5 मार्क्स का, तो हम ये पूरा लिखते हैं, वर्ब भी है नाउन भी है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइटल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ये चीज़ें मेंशन कर लेते हो तो आपको ऑब्वियसली जो टीचर है जो चेक करने वाला, उसको पता लग जाएगा कि हाँ इसकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो आपको अच्छा स्कोर देगा। तो ये तरीका। दूसरा है कोर्स और कोर्स, COARSE और दूसरा है COURSE। तो कोर्स और कोर्स की बात की जाए, देखिए सबसे पहले तो बात की जाए, कोर्स एक एडजेक्टिव है हमारा, है ना, और कोर्स की बात की जाए, कोर्स नाउन भी है और वर्ब भी है, सेम उसी तरीके से जो नाउन और वर्ब था। अगर बात की जाए कोर्स की, तो कोर्स का मतलब क्या होता है, तो मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ चलो आपके लिए, कि द वर्ड कोर्स, आपको हिंदी बताओ तो कर्कश होता है कोर्स का मतलब, मीन्स समथिंग दैट इज हार्श और रफ। ऐसी कोई भी चीज़ हो, हार्श हो चाहे रफ हो, उसको हम बोलते हैं कोर्स, ठीक है। अब बात की जाए कोर्स की, तो कोर्स आपको पता है, द वर्ड कोर्स हैज़ टू डू समथिंग विद द प्रोग्रेस, तो मतलब प्रोग्रेस से संबंध, मतलब कोर्स मतलब कोई ड्यूरेशन कोई चल रहा होगा तो उसको बोलते हैं हम कोर्स, ठीक है। द वर्ड कोर्स हैज़ टू डू समथिंग विद प्रोग्रेस, लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका डिफरेंस। इसके अलावा आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन है आपका आधे नंबर का, तो आधे नंबर में आप क्या क्या लिखोगे, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कम लिखो। तो लेकिन अगर लिख सकते हो, लिखने में देखिए मार्क्स आपको पूरे मिल सकते हैं, 2 में से 2 ही मिल सकते हैं अगर आप इतना अच्छा लिख दोगे। तो बात की जाए सेंटेंस की, तो ज्वाइन दिस कोर्स टू गेट हायर मार्क्स, तो मतलब ये चल, ये जो कोर्स रनिंग में है इसको आप ज्वाइन करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ज्वाइन दिस कोर्स टू गेट हायर मार्क्स। इसके अलावा बात की जाए इस कोर्स की, कर्कश की, तो एक सेंटेंस बनाता हूँ, ही वॉज बैंड, उसको बैंड कर दिया गया, ही वॉज बैंड ऑफ हिज कोर्स। कोर्स कौन सा, कर्कश वाला, बेकार वाला, हार्श वाला। तो जो उसका कोर्स टोन है ना, CARSE, कोर्स टोन, जो उसकी कोर्स टोन है उसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है। तो मतलब समझे आपको, तो हमने कोर्स का मीनिंग भी लिख दिया, सेंटेंस भी बना दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिया। तो अगर आप ये तीनों चीज़ मेंशन कर दोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मेंशन कर दोगे, मीनिंग, और आप मेंशन बना दोगे उसके ऊपर एक सेंटेंस, अगर आपने ये 3 चीज़ मेंशन कर दी, तो गारंटी दे रहा हूँ मैं आपका स्कोर और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना, ये था मतलब। इसी तरीके से बात करें लिबर्टी और फ्रीडम की, तो लिबर्टी का मतलब होता है, देखो लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा फर्क है, फ्रीडम का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज होल थिंग, मतलब आपको फ्रीडम मिल गई, जैसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमें एक लिबर्टी मिली हुई है कि आप किसी के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना, फ्रीडम मीन्स लिबर्टी, फ्रीडम इज कंसिडर एज होल थिंग, जिसमें आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन लिबर्टी का मतलब है, लिबर्टी इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम, क्या होता है, लिबर्टी इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम, जिसके अंदर आपको फ्रीडम का ही कुछ पोर्शन होता है जो आपके पास होता है। देयर एंड देयर की बात की जाए, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड बस। अगर देर एंड देर की बात की जाए तो देखिए, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको पता है 2 वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है देयर और एक होता है हमारा देयर्स। जो देयर होता है इसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, और जो देयर्स होता है उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ये इसकी PDF आपको मिलेगी इस वीडियो के बाद, जिन्होंने जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं उनको। तो पोजेसिव एडजेक्टिव और ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो देयर और देयर दोनों ही क्या शो करते हैं, शोज या शो पोजेशन, दोनों ही पोजेशन दिखाते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है THEARE और पूछा गया है THEIR। तो हम बात करें देयर की, तो देयर का मतलब होता है, देयर इज ए, लिख लो जरा, THEARE जो होता है, देयर इज ए पोजेसिव प्रोनाउन विच शोज पोजेशन ऑफ दे। अगर दे का कोई पोजेशन दिखाना तो देयर से दिखाओगे तो ये होगा। एग्जाम्पल लिख लो, दिस इंस्टीट्यूट is, this institute is, गलत बन गया, बना देते हैं ठीक, this is their building, मतलब क्या है, ये जो बिल्डिंग है ना ये उन लोगों की है, ये लोग कौन है, दे, तो ये इन दे लोग, इन दे की बिल्डिंग है, तो this is their building, सेंटेंस बना दिया आपने।
लेकिन अगर लिखना है देयर, देयर तो आपको पता है देयर मीन्स द अपोजिट ऑफ हेयर, हेयर का अपोजिट होता है देयर, और हेयर क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, हो गया क्लियर। तो ये चारों हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन कर दिया आपने, मीनिंग बता दिया और सेंटेंस बना दिया, तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा सेंटेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एक्टिव और पैसिव। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से एक्टिव और पैसिव कौन सा है। इजी क्वेश्चन, अगर आपने पहले मेरे एक्टिव पैसिव लेक्चर पढ़ रखे हैं तो आसान है। यू मस्ट बी एग्जामिन्ड अगेन, कि यू मस्ट बी एग्जामिन्ड अगेन, कि आपका दोबारा से एग्जामिन्ड होना चाहिए, मतलब आप नहीं करें, आपका होना चाहिए, कोई दूसरा करेगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव। इजी क्वेश्चन है, पैसिव आपको लिखना है, पैसिव आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस लिखना इट इज अ पैसिव सेंटेंस। पूछा है कौन सा, तो आपको बताना इट इज अ पैसिव सेंटेंस। आफ्टर जॉन हैड रिपेयर्ड द कार ही सोल्ड इट, जॉन ने बेची, जॉन ने रिपेयर करी फिर बेच दी, ऑब्वियसली इसी ने रिपेयर की, इसी ने बेची, तो ये क्या एक्टिव सेंटेंस। नोबडी कैन बीट लिवरपूल, लिवरपूल को कोई नहीं बीट कर सकता, तो ये भी क्या है मेरा एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव होता तो कैन के साथ क्या होता है, ही कैन प्ले द चेस, चेस कैन बी भी होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि ऊपर लिखी थी, बी और वर्ब की थर्ड, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है एक्टिव। ही वॉज आस्ट टू लीव द कंट्री, उसको बोला है कि भैया अपनी कंट्री छोड़ दो, उसने तो नहीं बोला, किसी और ने बोला है, और वॉज के साथ आईएनजी नहीं है, आईएनजी होता तो एक्टिव होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है पैसिव। तो ये भी सेंटेंस क्या हमारा पैसिव। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, आपको फिलर्स जरूर मिलेंगे। फिलर्स पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अब देखिए मैंने कंजंक्शन भी डाल दिया, आपको जो ऑलरेडी स्टूडेंट बन गए उनको कंजंक्शन की वीडियो जरूर दूंगा मैं, कंजंक्शन से आप राइटिंग अच्छी कर सकते हो अपनी, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी। तो ऑल दो येट इफ और दो एंड बिकॉज बट, इनमें से आपको क्वेश्चन में से आपको कंजंक्शन में से आपको ऑप्शन चुन करना है। डैश ही वॉज एंग्री विद हर ही डिडंट अटर अ वर्ड, देखिए वो गुस्सा था, इसके बावजूद उसने कोई भी वर्ड कुछ गलत नहीं बोला, ऑब्वियसली कुछ गुस्सा था बावजूद आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा दो, दो ही वॉज एंग्री विद हर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, दो हीज अ पुअर, दो हीज अ पुअर येट, हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है ईमानदार है। दिस ऑल दो और येट, ऑल दो इवन दो के साथ येट जाता है, देखिए गाइस। दिस प्लेस इज कंफर्टेबल, देखिए ये प्लेस तो बहुत कंफर्टेबल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन आगे दे दिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा लगता है बट, तो दिस प्लेस इज कंफर्टेबल बट नॉट सो स्पेशल, लेकिन जगह ज्यादा नहीं है। ही विल ट्राई और ही is forced to, he will try if आ सकते, देखो वो कोशिश करेगा अगर उसको force किया गया, तो if he forced to he will try, बिल्कुल ठीक है। keep quiet या फिर बाहर चले, keep quiet और go out, बाहर चले जाओ, चुप हो जाओ नहीं तो बाहर चले जाओ और go out, तो लगभग सारे हो गए हमारे, ये क्वेश्चन हो गए हमारे। बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स की, क्वेश्चन सिक्स की बात है, क्वेश्चन सिक्स में हमारे सिनोनिम्स आ गए। देखिए वो ग्रामर के अंदर ही कैन आस्क यू एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव साइड में, तो सिनोनिम्स पूछे गए इटिनरेंट के। क्वेश्चन नंबर है कितने नंबर का है, चार नंबर का है, तो एक दो तीन चार, अगर आप दो दो लिखते हैं तो काफी है। इटिनरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता है, मीनिंग नहीं पूछा आपसे, सिनोनिम्स पूछे हैं, तो सिनोनिम्स आप लिखेंगे सबसे पहले लिख सकते हो नोमैड, मैंने वन वर्ड में पढ़ा रखा है। इसके अलावा वेगाबोंड भी होता है घुमक्कड़, इसके अलावा रोमिंग करना भी, देखिए अगर आपको नहीं आती तो रोमिंग तो पता है, रोमिंग लिख सकते हो, इसके अलावा रोमिंग लिख सकते हो इधर उधर जाना, तो इन सब का मतलब होता है घूमना। कंपेडरे का मतलब होता है फ्रेंड, आपको सेंटेंस लिखने हैं तो एक तो होता है अमीगो, आप चाहो तो इजी लिख सकते हो फ्रेंड, इसके अलावा ऑल्टर ईगो लिख सकते हो, ये टफ वर्ड है, ऑल्टर ईगो लिख सकते हो, इसके अलावा कैमरेड लिख सकते हो, ये भी वोकैबुलरी का मतलब होता है फ्रेंड। स्पूरियस का सबको मतलब पता है, फेक होता है नकली, तो फेक हो सकता है, फिशी हो सकता है, फोनी हो सकता है ना, आर्टिफिशियल हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, अननेचुरल हो सकता है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। आपको एक आइडिया रखना है, आप तीन तीन लिख पाओ तो बेस्ट है, नहीं आते तो दो दो लिखना, लेकिन लिखने की कोशिश करना है सेम लिखना, ऐसा नहीं कि एक में तो आपने लिख दिया पाँच और एक में लिख के दो, तो एक नेगेटिव जाएगा, तो कोशिश करना एक कॉम्बो बनाकर कि चार चार लिख दें, है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन सेवन की बात की जाए, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, आपसे मीनिंग पूछा, और ये क्वेश्चन आएगा जरूर क्योंकि SPA PA हमें देखने को मिले। तो शो द वाइट फैदर मतलब होता है, अब देखो आपको इसका मीनिंग पता होता है कि डरपोक, लेकिन आपको लिखना तो नहीं आता, लिखना भी आना चाहिए, इसलिए तो ये आर्ट है राइटिंग। तो आप लिखोगे शो द वाइट फैदर मीन्स टू बिहेव, क्या लिखोगे, टू बिहेव इन अ कावर्डली मैनर। अगर ऐसे लिखोगे एक्सप्लेन करके तो 100% आपको मार्क्स देगा ही देगा। अ क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, जब बहुत मुश्किल से आप बचते हो। और थर्ड है हमारा द लास्ट रो, लास्ट रो का मतलब होता है लास्ट हर्डल ऑफ एनी क्विज, टास्क और
गेम या कोई भी चीज, किसी भी गेम टास्क का जो आखिरी हर्डल होता है उसको बोलते हैं हम द लास्ट हो। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोथ या टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चारों के मतलब वन वर्ड के। अब बात करते हैं, एक मैंने टफ क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन टफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसमें क्या नहीं दिया आपको, ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन देता तो शायद कर पाते, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया तो ये हो गया आपके लिए मुश्किल। बट एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एंड वी हैव टू रेडी फॉर ऑल दी क्वेश्चन। तो इसको करने से पहले मैं आपको बताया था, देखो आपको इसकी भी शीट मिलेगी पीडीएफ में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या याद करना है उसमें, वो पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखना, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अ डैश लोकस्ट अटैक अ डैश ऑफ कैटल। कैटल होता है झुंड। अब कैटल तो ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है, किसका कैटल, सॉरी कलेक्टिव नाउन है, कैटल होता है पशु जो चरते हैं, कैटल हो गया। कैटल कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, लेकिन ये नाउन ऐसा था जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है, लेकिन कैटल के लिए हमें कोई कलेक्टिव नाउन चाहिए, जैसे हमें लोकस्ट के लिए चाहिए। तो लोकस्ट के लिए कलेक्टिव नाउन होता है स्वॉर्म, क्या होता है SWARM। तो एक स्वॉर्म ने, एक स्वॉर्म के झुंड ने अटैक कर दिया किसके, कैटल के झुंड पर, तो कैटल के लिए होता है हर्ड और इसके लिए होता है स्वॉर्म। अ डैश ऑफ बर्ड इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट, मतलब जब आप पक्षियों के झुंड को देखते हो तो पक्षियों के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पक्षियों के लिए कलेक्टिव नाउन होता है फ्लो। तो जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता वो तो कर ही नहीं पाएगा, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। एज वी ड्रोव डाउन द कंट्री साइड वी सो अ डैश ऑफ शिप। अब देखिए, देखिए एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कन्फ्यूजन हो, कोई भी हर्बीवोर हो ना, जो भी घास फूस खाते हैं उन सब के साथ आप हर्ड लगा देना, एलिफेंट हो गोट हो, तो यहाँ पे आएगा हर्ड। माई फ्रेंड, स्पेलिंग गलत है, माई फ्रेंड हैज ए फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प। देखिए जब, अगर आपके पास कलेक्शन हो फोटोज का, सिग्नेचर्स का, स्टैम्प्स का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा, क्या यूज करते हैं गाइस, एल्बम। तो एल्बम इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ स्टैम्प्स फोटोज एंड एक्सेट्रा। द डैश ऑफ थीव्स, अब थीव्स है चोर, तो यहाँ ग्रुप नहीं लिख सकते, ग्रुप होता है पॉजिटिव के लिए, थीव्स होता है चोरों के लिए, तो हमेशा होते हैं गैंग। द गैंग ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो गैंग आएगा यहाँ पे। देयर वी सो अ मैन कैरिंग, हमने देखा एक व्यक्ति को कैरी करते हुए क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के लिए कलेक्टिव नाउन आपको पता है तो आसान है, नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा अ सूट ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज हेड। क्वेश्चन 9 की बात कीजिए, आपसे बोला गया कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस हमारे कई तरह के, एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस में ये फर्क है कि अफर्मेटिव हमारे होते हैं सिर्फ पॉजिटिव, अफर्मेटिव, लेकिन असर्टिव हमारे जनरली नेगेटिव भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अब आपको, लेकिन इंटरोगेटिव तो नहीं होते, अब ये इंटरोगेटिव में आपको अफर्मेटिव बनाना है, असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाना है, असर्टिव बना देते हैं अभी। देखो ये तो इंटरोगेटिव हमें बनाना है, असर्टिव तो बनेगा, आप इसको नॉर्मल सेंटेंस बना दो, सन Rises in the east, ये बन गया इसका affirmative और assertive sentence। Next है, can you solve this problem? तो क्या बन जाएगा, normal sentence बनाना है आपको, you can solve this problem, तो ये बन गया इसका assertive। What a magnificent building the Taj Mahal is, अब ये तो exclamatory sentence है, हमें बनाना है assertive, तो assertive में हम क्या करते हैं, simple बोल देते हैं, simple बोल दो इसको कि Taj Mahal is a magnificent what बिल्डिंग, ये बन गया इसका असर्टिव। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट फिनिश्ड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, लिख लो आप, आई हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये बन गया। तो मतलब आपको क्या, असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन अफर्मेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन असर्टिव नेगेटिव भी हो सकता था, तो अब यहाँ पर आप नेगेटिव भी लिख सकते थे, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब एक और क्वेश्चन आया आप लोगों का 5 नंबर का, कि वॉट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव होते कौन से, तो न्यूमरल एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव विच शोज नंबर, क्या शो करते हैं आपको, नंबर। अब आप चाहो तो इसमें एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का है, तो एक लाइन में एडजेक्टिव को डिफाइन कर दो कि वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव, और फिर बताओ कि न्यूमरल एडजेक्टिव, तो न्यूमरल एडजेक्टिव विच शोज नंबर। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, कार्डिनल, और क्या लिख सकते हो, ऑर्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं जो नंबर शो करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ऑर्डिनल मतलब, सॉरी, ऑर्डिनल होते हैं आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और कार्डिनल होते हैं 1 2 3। तो मैं बोलूँगा आई हैव 2 cars, तो कार मेरा नाउन है, नाउन के बारे में बता रहे हैं, 2 तो 2 है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी कौन सा है, न्यूमरल एडजेक्टिव, और न्यूमरल एडजेक्टिव भी कौन सा है, ये आप लोगों का क्या बोला मैंने, 2, तो 2 है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल लिखेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 marks है, जो कि आप लोगों का ट्रांसलेशन है। देखिए अगर बात कीजिए एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट ने मेंशन कर रखा उन्होंने कि 25 वर्ड्स आएंगे, लेकिन कितने नंबर के होंगे, 20। तो वो वर्ड भी दे सकते हैं 1 2 3 4, और वो चाहे तो आपको ऐसे एक स्टोरी वाइज लिखकर आपसे बनवा सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, हम दोनों लिखेंगे। इसमें मैंने आपको वर्ड्स पूरा पैसेज लिखा है, और दूसरे मॉक टेस्ट में आपको वर्ड्स मिलेंगे, तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ।
थोड़ा सा आप लोगों को, अगर आपको एक्टिव पैसिव आते हैं, नरेशन आते हैं, वोकैबलरी अच्छी है, तो आप आसानी से बना सकते हैं क्या ट्रांसलेशन को, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी। देखो, अपराधी वो होते हैं जो किसी भी कारणवश अपराध करते हैं, ठीक है, अपराधी वो होते हैं। तो अपराधी वो होते हैं, तो क्रिमिनल्स की बात होती है, तो क्रिमिनल्स आर दोज। अब यहाँ पे दीज क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए वो होते हैं मतलब मेरे पास तो नहीं है, तो याद कीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, तो दिस दैट दीज दोज, तो दिस और दैट होता है पास के लिए, सॉरी दिस पास के लिए, दीज पास के लिए, दो दैट और दोज होता है दूर के लिए। अब अपराधी वो होते हैं तो दोज आएगा, तो दूर है, तो क्रिमिनल्स आर दोज क्या हो जाएगा, हु किसी भी कारण हु कमिट क्राइम फॉर एनी रीजन, फॉर अपराधी वो होते हैं जो किसी भी कारण से अपराध करते हैं, क्रिमिनल्स आर दोज हु कमिट क्राइम फॉर एनी रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो किसी भी कारण से, फॉर एनी रीजन एट ऑल, तो ये होगी पहली लाइन, यही वो परिभाषा है, तो दिस इज द सेम डेफिनेशन हो जाएगा दिस। अब यही मतलब पास में है, आप अपने बारे में बताओ, दिस जो आप लिख रहे हो, तो दिस इज द सेम डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में बच्चे गलत कर जाएंगे स्पेलिंग को, तो उनके मार्क्स कट जाएंगे, डी एफ आई एन आई टी एन, तो डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन दैट हम सब उम्मीद करते हैं, तो सिंपल है, तो दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ठीक है, आसान है, और ये भी उम्मीद करते हैं ऑल ऑफ अस, अब और ये भी करते हैं, तो एंड ऑल्सो वी एक्सपेक्ट, हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो वी एक्सपेक्ट कि ऐसे लोग सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सच पीपल, इतना मैंने करा दिया, सच पीपल को अपराधी नाम दिया जाए, दिया जी नहीं आएगा यहाँ पे, कि ऐसे लोगों को अपराधी नाम दिया जाए, तो जाए आएगा यहाँ पे, तो आएगा सच पीपल, ऊपर लिखे सच पीपल, ऐसे लोग सच पीपल टू बी गिवन द व्हाट, अपराधी नाम दिया, टाइटल, किसका टाइटल दिया जा रहा है, क्रिमिनल्स का, ठीक है। अब देखो पर ये बात बताने की जरूरत नहीं, अभी ये टफ लाइन है, पर ये बात बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं हाउ एवर नीडलेस टू से दैट, यह नाम वास्तव में सभी अपराधी को नहीं जाता, दिस दैट दिस टाइटल इज नॉट इन फैक्ट, लास्ट लाइन, तो फिर फैक्ट गिवन टू ऑल, ठीक है, गिवन टू ऑल, ठीक है, किनको अपराधी ने, तो हु कमिट व्हाट क्राइम्स, हु कमिट क्राइम्स, एंड देखो ये भी जरूरत नहीं, एंड नीदर नहीं है, एंड नीदर ऑल द पीपल, जरूरी है कि जिन्हें दिया था वो भी आ रहा था, आगे लिखो, एंड नीदर ऑल द पीपल कोमा हु आर गिवन दिस टाइटल, जिनको ये टाइटल दिया जाता है कि वो अपराधी, दिस टाइटल आर नेसेसरली क्या हो, क्रिमिनल्स हो। तो ये ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड भी आ सकती है, सिंगल वर्ड मीनिंग, वन बाय वर्ड आती है तो और भी आसान है आप लोगों के लिए, अगर वो वर्ड आपको आता होगा तो, लेकिन अगर वैसे सेंटेंस वाइज आती है तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप लिख सकते हो, स्टोरी वाइज थोड़ा सा टेंस यूज कर सकते हो, थोड़ा सा एक्टिव पैसिव फॉर्मेट यूज करके आप बना सकते हो, ईजी टफ नहीं आएंगे, मैंने हाउ एवर नीडलेस लिखा तो इसके अलावा आप ईजी लिख सकते थे नॉट, लेकिन क्या है ट्रांसलेशन अगर लाइन वाइज आ गई तो आसानी रहेगी, लेकिन अगर लाइन वाइज नहीं है, वर्ड बाय वर्ड आ गया, अगर वो वर्ड आपको आता है तो ठीक है, लेकिन वर्ड नहीं आता तो मुश्किल हो जाएगी। ये वर्ड हम अगली क्लास में करेंगे, मैं अगले मॉक टेस्ट में आएगी आप लोगों के लिए, तो गाइज अपना एनालिसिस करें, देखिए आप लोग कहाँ हैं, कितना स्कोर आया है, तो ये था मेरा मॉक टेस्ट, इफ यू लाइक वीडियो प्लीज सब्सक्राइब वॉच, एंड इफ यू डोंट लाइक डोंट वॉच डोंट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।